subscribe Quick News, press the bell icon and never miss an update. आमतौर पर हर साल दशहरे में होड़ लगी रहती थी। चाचा की चाय की टपरी से लेकर परांठे वाली गली की चकल्लस तक यही चर्चा रहती थी कि किस एरिया का रावण सबसे जानदार है, किस रावण की लंबाई और नाक सबसे ज्यादा ऊंची है। लेकिन इस बार कोरोना की ऐसी मार पड़ी कि भैया रावण दुबके पड़े हैं। रावण की लंबाई और दाम दोनों ही घट गए हैं। हालत यह है कि भाव गिरा लिया फिर भी कोई पूछ नहीं रहा। हर साल की तरह इस बार भी रावण कई रंगों और डिजाइनों में सजा है, पर हालत तो देखिए, कभी जिसके पास सोने की लंका थी आज उसे अठन्नी भी नसीब नहीं हो रही। दशहरे के लिए रावण को तैयार करने वाले कारीगर बताते हैं, कोरोना की वजह से भव्य आयोजन पर पाबंदी है, भीड़ नहीं लग सकती। भीड़ ही नहीं लगेगी तो रावण जलाने का फायदा क्या है, इसीलिए बड़े रावण नहीं बिक रहे। गली मोहल्ले में छोटे आयोजन के लिए छोटे बड़े रावण खरीदे जा रहे हैं। छोटे रावण की देखा जाए तो 50% डिमांड है अभी, बाकी उससे पहले जो थी बड़े रावणों की डिमांड, तो कोरोना काल चलते उसकी डिमांड कम हो गई है क्योंकि भीड़ भाड़ होने नहीं दे रही, और सरकार की भी हमारे पास सख्ती ही ज़्यादा है। वो खुद कह रहे कि भाई ज़्यादा कस्टमर की भीड़ मत लगने दे। तो परिवार जो कॉलोनी के अंदर होते हैं ना, कम से कम 10-12 परिवार ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं, उनका जो एक फेस्टिवल एक मतलब त्यौहार है जो है हमारा, सीजन आता है रावण का, तो सीजन के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। ऑर्डर पे पहले ज़्यादा बनाते थे, अब पहले की तरह ऑर्डर भी नहीं आ रहे हैं।